आज हम एक प्रसिद्ध इंजीनियर के बारे में बात करेंगे जिन्हें अक्सर दुनिया के विनाशक और वन मैन एनवायरमेंटल डिजास्टर कहा जाता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रिसर्च माइंड पर, जहां हम हर वीडियो में नई और अजीबोगरीब खोजों के बारे में बताते हैं। तो अब हम वापस आते हैं आज की कहानी पर, जो है इंजीनियर थॉमस मिडगली जूनियर के बारे में। मिडगली को आज के दौर में सबसे अत्यधिक प्रदूषणकारी आविष्कार लेडेड गैसोलीन के लिए जाना जाता है। थॉमस मिडगली 1920 के एक प्रसिद्ध मैकेनिकल इंजीनियर और रासायनिक विज्ञानी थे, लेकिन पर्यावरण और स्वास्थ्य विरोधी खोजों की वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई। मिडगली का सबसे बड़ा निर्माण लेडेड गैसोलीन था, जिसे इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एंटी नॉक एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत बुरे प्रभाव डालता है। इसके कारण इस गैसोलीन का उत्पादन करने वाली कंपनी के कई कर्मचारी बीमार पड़ गए। हालांकि इसको गलत साबित करने के लिए मिडगली ने अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने अपने हाथों को गैसोलीन मिश्रण में धोया और 60 सेकंड के लिए फ्यूम्स को इनहेल करके दिखाया, जिसका उनके खुद के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हुआ। इसके बावजूद इसे बाद में बंद करने में सरकारों को कई दशक लगे। आखिरकार मिडगली ने अपने ही एक आविष्कार का उपयोग करके अपने जीवन का अंत कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप द रिसर्च माइंड चैनल के साथ जुड़े रहें अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।